शौहर की खून में लथपथ लाश को देखा तो फिर मेरी रूह कांप गई और मुझे समझ नहीं आई मैंने ये क्या किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़ा फख्र था, मैं तीन बच्चों की माँ हूँ, मेरे तीन बेटे हैं, मुझे बहुत गुरूर था। कत्ल ऐसे ही हुआ था, इसने कहा था हम शादी कर लेंगे। शादी कर लेंगे जी। जिशान को कत्ल करके जी। जिस दिन कत्ल हुआ है क्या प्लान बनाया था? वो कहते थे कि मैं देखता हूँ इसका काम किधर है, कहाँ जाता है। जब उनका कत्ल हो गया तो फिर मुझे फोन आया कि ओके भाभी ओके हो। बाबा किधर है? अल्लाह ताला के पास। जब आप स्कूल से आए फिर क्या देखा? वो वहाँ पे मेरे पापा का खून दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। शाहदरा में आया एक अफसोसनाक वाकया पेश। मरियम नामी लड़की जो 9th क्लास में थी तो उसे किसी से मोहब्बत हुई। वो मोहब्बत इतनी परवान चढ़ गई कि वो एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने इसे एक्सेप्ट ना किया और मरियम की शादी कहीं और कर दी। जहां शादी की उस शख्स का नाम जीशान था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, जो नौकरी भी करता था, और उसने मरियम को कबूल किया। शादी के बाद पहली रात मरियम ने बैठ के अपने खावत जीशान को सारी कहानी सुनाई, अपनी आशिकी की दास्तान सब खुलकर बताई। शौहर ने उसको एक्सेप्ट किया और जिंदगी चलती रही। 11 साल इस शादी को गुजर गए। अल्लाह ताला ने 3 बेटों जैसी नेमत अता की, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे बेटे दिए। ये तीनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीशान को मरियम के साबका आशिक ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि मरियम का तो उससे ताल्लुक ही नहीं था। सारी कहानी आपको बताते हैं। मकतूल जीशान के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। वालिद साहब जो कि इस केस के मुदई मुकदमा है, और जीशान के 3 बेटे जो इस टाइम आप कैमरे में देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जीशान के 3 साहिबजादे हैं। बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे से और बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? ठीक। क्या हुआ था जीशान के साथ? तन जीशान के साथ सुबह 8 बजे गया करो, 8 बजे के 10 मिनट आ रहे हो, कितने फैर मारता। कैसी जिंदगी गुजर रही थी जीशान की और जीशान की अहलिया की आपस में? पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, कोई अड्डा मसला नहीं थी। हाँ जी। कभी कभी चली जाती नाराज हो के, या नहीं का लड़ाई झगड़ा नहीं सी होता जी, या चल नाराज हो के चल जाती खुद ही आ जाती। ये बताएं कि मारने वाले कौन थे, जानते हैं आप उनको? उन्होंने पहचानते नहीं है ऐसी, ये तो अलावा किसी ने ये नहीं दसिया सारे का क्या बंदा है। अच्छा, इसने बताया है मुलजिमा ने, बहू ने आपकी? इन्हें क्या गया है जड़ा बंदे दे नाल है सी, ये जेड़े लड़के दे नाल, वो लड़के ने को सारे दे नाल लेने के भी है भी कैसे। बहू को माफ करने का इरादा रखते हैं? किसी को भी माफ करने का इरादा नहीं। ठीक, माइक कीजिए। क्या नाम है बेटा? अली हैदर। अली हैदर, अली हैदर कौन सी क्लास में है? प्रेप। प्रेप में। अली हैदर के बाबा किधर है? अल्लाह ताला के पास। कैसे पोतू हैं बाबा? हम स्कूल गए थे। अच्छा, यहाँ लगता है। फिर जब आप स्कूल से आए फिर क्या देखा? वो वहाँ पर मेरे पापा का खून दे। पापा का खून पड़ा था? फिर हम घर आ गए। अच्छा, मुझे बताओ मामा और पापा झगड़ा करते थे? मम्मा करती थी, पापा नहीं करते थे। मम्मा करती थी, क्या कहती थी मम्मा? तब भी लड़ाई होती थी, पापा बाहर चल जाते थे मेरे दोस्त के पास। जब भी झगड़ा होता था तो मामा करती थी और पापा चुप करके बाहर चले जाते थे। फिर मामा क्या कहती थी? पैसे मांगती थी और कहती थी मैंने आपके साथ नहीं रहना, ऐसे कहती थी पापा को। और क्या कहती थी? यही कहती थी बस, यही कहती थी। मारती तो नहीं थी पापा को? नहीं मारती है। मारती थी पापा को? पापा याद आते? दुआ की है पापा के लिए? क्या दुआ की है? अल्लाह ताला पापा को जन्नत में जगह देना। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम, अरहम कौन सी क्लास में हो? टू। टू में।
बेटा मामा पापा झगड़ा करते थे? करते थे, फिर सुलह देती थी। कौन सुलह कराता था? फूफो। फूफो कराती थी, फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता था। किस बात पे झगड़ते थे? पैसों से। मामा को फोन छून भी आते थे लोगों के? क्या बातें करती थी? ये नहीं पता। आप लोगों से छुप के करती थी कि आपके सामने? छुप के। क्या कहती थी आप लोगों को? कहती किसको नहीं बताना। चुप। तो आपने पापा को कभी नहीं बताया कि मामा छुप छुप के बातें करती हैं? नहीं। अब किसके पास रहना है? मामा पास रहना, दादा बू के पास? मामा पास नहीं, दादा बू के पास। ये मासूम नन्हे नन्हे बच्चे जिनका ये कहना है कि हम अपनी माँ के साथ अब रहना नहीं चाहते, नर्वस भी हैं, खौफजदा भी हैं, और बाप की मौत का गम अपनी आंखों से इस छोटी सी उम्र में देखा है। मारने वाली सगी माँ है और मरने वाला सगा बाप है। थाने चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं। खातून मुलजिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मरियम। मरियम, मरियम कितनी उम्र है? 28 साल। 28 साल। शादी को कितना अरसा हुआ? 11 साल। 11 साल। खावत कैसा था? खावन शुरू से तो ठीक थे। ठीक थे? हाँ जी। क्या मसला, फिर अब क्या हुआ था? बस खर्चे की वजह से घरेलू लड़ाई वगैरह, और बात नहीं मानते थे। अगर कुछ कहती थी मुझे ये चाहिए घर के लिए बच्चों के लिए, तो शहर के कुछ हालात भी ऐसे थे जिसकी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी। घर वाले भी कहते थे आप लोगों को गुजारा नहीं होता, हमें देना पड़ता है। मेरे देवर जो थे वो ही पहले हमारा सारा खर्चा चलाते थे, उसके बाद जब वो अलहदा हो गए तो हमारे ज़्यादा ही मसाइल पैदा हो गए, इसलिए हमारी हर बात बात पे लड़ाई हो जाती थी। इसके अलावा और कोई मसला? ये तो नॉर्मल सा घर का मसला है, हर घर का है। और कोई झगड़ा? नहीं, यहाँ तक था, कुछ नहीं था। नहीं, ठीक है। जिनके साथ आपके ताल्लुकात थे इनका क्या नाम है? शान के साथ था मेरा ताल्लुकात। शान के साथ थे। हाँ, शान की कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल। और शान से ताल्लुक कितने अरसे से है? मैं तब स्कूल में पढ़ती थी, 9th क्लास में थी जब से मेरा इनके साथ ताल्लुक था। ये भी 9th में पढ़ता था? नहीं, ये पढ़ता नहीं था, ये केबल का काम करता था शुरू से। हाँ जी। तो ताल्लुक बना कैसे? इसकी सिस्टर जो इकरा, वो मेरी दोस्त थी, वो भी मेरे साथ पढ़ती थी। हाँ जी। ठीक और है। मैं इनके घर जब एक दो दफ़ा आई तो वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई, और फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए। घर वालों को भी बताया कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों ने शादी नहीं की। जैसे आपके घर वालों ने? हाँ जी, जैसे मैंने घर वालों को बताया तो इनके शान के घर वाले भी रिश्ता लेके आए थे शादी के लिए, के शादी कर लेते हैं, चले बच्चे हैं, अगर दिल नहीं इनका मानता तो 100 मसाइल पैदा होंगे। लेकिन घर वाले नहीं माने, शान के घर वाले 3 दफ़ा आए थे और 3 दफ़ा ही रिजेक्ट किया गया था उनको। फिर अपने अम्मी अबू को कहा नहीं कि मैं इसके बगैर नहीं रहूँगी या मैं कहीं चली जाऊँगी, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चे वालदैन को थ्रेट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा आपने किया था? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मैंने बस ये कहा था उनको, अगर आपने मेरी इसके साथ शादी नहीं करनी तो फिर मेरी शादी किसी के साथ भी ना करवाएं। ठीक है। फिर ज़ीशान आपका शौहर? हाँ, जिससे आपकी शादी हो गई। जी, ठीक हो गया। फिर ज़ीशान को बताया आपने माजी के बारे में? जी, जिस दिन मैं इनके घर आ गई थी शादी की रात वाले दिन, मैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो था मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, और मैंने भी, मेरी 18 साल उम्र थी जब मेरी शादी हुई, और मैंने भी उनको सब कुछ बता दिया। मैंने उन पर एतबार किया और सब बता दिया कि मुझे अच्छे लगे वो, कि अगर वो मुझे बता सकते हैं तो फिर मैं क्यों दिल में बात रखूं। मैंने बता दिया उनको सारा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों से बात की, मुझे नहीं पता था, मुझे मेरी मम्मी से पता चला था कि तुमने उनको क्यों बताया, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा मैंने तो इसलिए बताया था, ये कभी मेरी बात कहीं नहीं करेंगे, और मैंने सब कुछ समझ के उनको अपना बताया था, लेकिन वो सब नहीं था जैसे मैंने सोचा था।
अच्छा फिर बात खत्म हो गई कि झगड़ा होता था इस बात पे? जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था तब इनका काम नहीं था, घरेलू झगड़े थे और मुझे भी घर से कितनी दफ़ा निकाल दिया हुआ था। मैं मम्मी के घर आती थी और ऐसे तलाक तक बात पहुँच जाती थी, फिर मुझे सुलह सफाई के साथ छोड़ जाते थे, फिर ऐसे ही चलता। कौन छोड़ जाता था? अम्मी अबू? हाँ जी। अच्छा ठीक है, इसी तरह जिंदगी चलती रही? चलती रही। ठीक है, इस दौरान शान से मुलाकात होती थी? नहीं, तब शान के साथ तो मेरी 6 साल बाद मुलाकात हुई। कहाँ पर? मैसेज किया था मैंने। आपने? जी मैंने। वही नंबर था जो शादी से पहले का था? जी। क्या मैसेज किया था आपने? मैंने बस हाल चाल पूछा था और तब जवाब नहीं आया था, फिर मैंने दूसरे दिन मैसेज किया और फिर जवाब आया था इनका। फिर उससे उसके बाद मेरा मोबाइल नहीं था, मैं अपने मियाँ के मोबाइल से कर लेती थी कभी कभार, लेकिन इतनी ज़्यादा तब बात नहीं होती थी। फिर अचानक एक दिन जैसे घर में लड़ाई झगड़े होने और मैंने घर जाके कहना कि मेरे साथ ऐसा होता है, आप क्यों नहीं आते मेरे पीछे, मुझे यही दुख है, मेरे पीछे आया करें, मैंने आपकी बात मानी, आप मुझे आके तसल्ली दें, उन्हें भी समझाएं कि आप ऐसे ना किया करें, ऐसे मेरी उधर कोई इज्जत नहीं है। फिर तो घर वाले नहीं आते थे, फिर मैं हर बात शान के साथ शेयर कर लेती थी, उनको उसको बताती थी। हाँ जी, कि आज ऐसे हुआ है, आज ऐसे हुआ है। फिर वो क्या कहता था? वो कुछ भी नहीं कहता था, वो मेरी बात सुनता था, वो कहता था तुम फिक्र ना किया करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। जिस दिन कत्ल हुआ है क्या प्लान बनाया था? वो कहते थे कि मैं देखता हूँ इसका काम किधर है, कहाँ जाता है। जब उनका कत्ल हो गया तो फिर मुझे फोन आया कि ओके भाभी, ओके हो। बाबा किधर है? अल्लाह ताला के पास। जब आप स्कूल से आए फिर क्या देखा? वो वहाँ पे मेरे पापा का फोन दे रहे। शान को 6 साल के बाद बताया कि अब मैं 3 बच्चों की माँ बन गई हूँ? जी। या उसको पता था? नहीं, मैंने खुद बताया था। क्या कहा उसने? मैंने उसको कहा था मेरे 3 बेटे हैं, तो वो कहता था अल्लाह जिंदगी दे इनको। कत्ल कैसे करवाया? मेरे मियाँ का हफ्ते वाले दिन कत्ल हुआ था। क्यों कत्ल करा दिया आपने? अगर आप शान से शादी ही करना चाहती थी तो आप खुला ले सकती थी, आप तलाक ले सकती थी, आप कह सकती थी कि मैंने साथ नहीं रहना। अगर इतना ही सीरियस मसला बन गया था, अव्वल तो मैं कहती हूँ कि सलाम है ज़ीशान को, जिसको ये भी पता है कि मेरी बीवी किसी और मर्द से मोहब्बत करती है और उसने फिर भी अपने निकाह में अपने घर में रखा हुआ है। मर्द तो बर्दाश्त नहीं करता, एक सेकंड के लिए नहीं बर्दाश्त करता, उसने फिर भी रखा। 12 साल ज़िंदगी गुजरती रही, फिर जिस दिन कत्ल हुआ है क्या प्लान बनाया था आपने? तब बस शान की, मुझे जिस दिन उन्होंने कत्ल होना था तब मुझे शान का फ़ोन आया था। क्या कहता है? कहता था मैं आपकी गली में आया हूँ, तो मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा खैरियत? तो कहता हाँ बस यहाँ पे कहीं काम आया हूँ। तो उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बुलवाया हुआ था जो उसमें शामिल थे। फिर और जब मेरे मियाँ का कत्ल हो गया तो फिर मुझे फ़ोन आया, लेकिन वो शान की आवाज़ नहीं थी, और इसी के दोस्त ने कहा था ओके हो गया भाभी, इतनी बात की। और मैंने उसके बाद कॉल वगैरह की और पूछा नहीं क्या हो गया? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था। कैसे हो सकता? जब मैंने कॉल वगैरह की हाँ, तो मुझे यही था कि शायद वो उसका पीछा करने गए हैं, लेकिन पीछा क्यों करना था? वो कहते थे कि मैं देखता हूँ इसका काम किधर है, कहाँ जाता है, ये था। फिर तो फिर जब उनका कत्ल हो गया तो फिर मुझे फ़ोन आया कि ओके भाभी, ओके हो गया। फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं मेरा अटेंड किया, और थोड़ी देर बाद मेरे जो मियाँ हैं उनका दोस्त आया और उन्होंने कहा उनका कत्ल हो गया। फिर मैंने अपने ससुर को उठाया जाके, और फिर वो तकरीबन 20-15 मिनट बाद निकले। फिर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया जो पुलिस में है, उनको फ़ोन किया, और फिर शौहर की लाश खून में लथपथ घर आ गई। जी आपने देखी? जी। तरस आया कि ये मैंने क्या करवाया है? जी बहुत तरस आया। आपने कहा था ना कि इसको कत्ल कर दो, कहा था? जी। कहना बनता था 3 बच्चों के बाद? नहीं। शौहर की खून में लथपथ लाश को देखा तो फिर
फिर मेरी रूह कांप गई और मुझे समझ नहीं आई मैंने ये क्या किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़ा फख्र था, मैं तीन बच्चों की माँ हूँ, मेरे तीन बेटे हैं, मुझे बहुत गुरूर था। मेरे तीन बेटे हैं, फिर मैं अपने बच्चे लेके साइड पे हो जाऊंगी और हम अपनी लहदा जिंदगी शुरू करेंगे, मैं मेरे बच्चे। शान के साथ ये प्लान बनाया था? नहीं, मैं कहती थी मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी, फिर उनको पालूंगी, और मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये हो जाएगा। अब आप जेल जाएंगी, जाहिर है जो आपने काम किया है। बच्चे याद नहीं आते? आते हैं। बच्चे याद आते हैं? तो जिस टाइम ये प्लान किया था कि शौहर को साइड पे करें, उस टाइम ये ख्याल नहीं आया कि इन बच्चों का बाप मैं यतीम कर रही हूँ इन बच्चों को? आज तो मुझे ख्याल आ जाता। नहीं आया? मेरे बच्चे ना मुझसे दूर होते। बच्चे याद आ रहे हैं? बहुत याद आते हैं मुझे, मेरा फखर, मेरा ईमान था वो, मुझे बहुत गुरूर था, मेरा गुरूर टूट गया, मेरा सब खत्म हो गया। मैं इनको इनके साथ ही अपनी लहदा जिंदगी बनाना चाहती थी। जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी, वो मुझसे बहुत दूर चले गए और मैं तो बीबी कत्ल तो तुमने खुद करवाया है जीशान को, चले तो नहीं गए, भेजा गया है, कत्ल तो खुद करवाया है ना, किसी और ने तो कत्ल नहीं किया। प्लान कहाँ बैठ के बनाया था? मैंने प्लान नहीं बनाया था। नहीं बनाया था? इन लोगों ने बनाया था। तुम्हें ये पता था कि आज मेरे शौहर को गोलियां मारनी है? पता था या नहीं? हाँ जी पता था। शौहर कब काम पे निकला और कब काम से आया ये तो बीवी को पता होता है ना जी, कि शौहर काम से निकल आया और बीवी के घर कब पहुंचेगा, तो ये तुमने शान को टाइमिंग्स बताई थी? जी बताई थी जी। तो फिर आपको तो पता था ना कि आप गोलियां मरवा रही हैं? आपको तो पता था ना जी कि आप गोलियां मरवा रही हैं अपने खावत को? अल्लाह की बंदी, तीन बेटे पैदा किए हैं उसमें से, तीन बेटे उसके वारिस, उसका नाम लेने वाले, उन्हीं का बाप खत्म करा दिया। ये कैसी मोहब्बत थी जो जायज रिश्ता तबाह कर दिया। ठीक है, शादी से पहले की मोहब्बत थी, पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, सब ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी मुलाकातें कहाँ होती थी? कभी कभी मुलाकात करती थी, ज्यादा मेरी मैसेजेस पे बात होती थी। अब बताओ क्या होना चाहिए? अब मुझे सजा होनी जो मुझे मिल गई है। परसों मैंने जेल चली जाना है और मेरी एक रिक्वेस्ट है, बस एक दफा मेरे बच्चे मुझे मिला दे। मैं सारी जिंदगी नहीं देखूंगी, सारी जिंदगी नहीं कहूंगी, बचा है खुश बात रे, मेरी दुआ उनके साथ, वही मेरी कमजोरी थी। मुल्ज़िमान से बात करते हैं। मुल्ज़िमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? इब्रार। इब्रार जरा मुंह ऊपर कर लो और ऊंची आवाज में बात करनी। कितनी उम्र है? 19। 19 साल। क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो जी? क्या एफए? एफए में हो जी। कत्ल किसने किया है? कत्ल रेहान ने करना था, हम तीनों जब उधर गए हैं ना। रेहान कौन है? वो बुरी जमानत है यार। अब बुरी जमानत पे है जी। अच्छा, आप तीनों ने मिल के करना था जी। फिर हम उधर गए हैं ना, हमारी उधर हाथापाई हुई है उसके साथ। अच्छा, निशान से जी, पिस्टल नीचे गिरा, पिस्टल मैंने पकड़ा तो मेरे से फायर लग गया। क्या हाथापाई क्यों हो गई? जब रेहान ने पिस्टल सीधा किया ना तो वो आगे बढ़ा, उसने हाथ वगैरह मारे। फिर गुस्सा आ गया आपको? नहीं, गुस्सा नहीं आया, फायर नहीं था लगाना, गलती से लग गया। गलती से लग गया? कितने? एक। कहाँ पे? सीने। गलती पूरी डायरेक्ट सीने पे हुई थी और कहीं नहीं हुई? फिर हम उधर से भाग गए थे। आप किस चीज पर थे? बाइक पे। आपका ताल्लुक था खातून से? नहीं। आपका क्या मामला है बीच में फिर? मैं इनका दोस्त था जी। दोस्त था? दोस्त थे, दोस्ती निभाने आए थे। नहीं। क्या नाम है? शान नाम है मेरा। शान। शान कितनी उम्र है?
मेरी उम्र 26 ईयर। 26 ईयर्स, क्या करते हो? स्टडी करता था, अब मैंने केबल का काम करता हूँ। स्टडी करता था, क्या स्टडी किया भाई? मैट्रिक मुकम्मल नहीं किया। मैट्रिक मुकम्मल नहीं किया, मैं स्टडी करता था। अच्छा, अंडर मैट्रिक जी। फिर केबल का काम शुरू हो गया जी। ठीक है, ये मरियम से दोस्ती कब से है? ये 10-11 साल से है। 10-11 साल से। मरियम की शादी को कितना अरसा हुआ? तकरीबन 9-9.5 साल। 11 साल, अभी 11 साल भी नहीं हुए, तकरीबन 2013 में इसकी शादी हुई है। पक्की बात है? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 13 में ही हुई है। ठीक है, शादी से पहले ही की दोस्ती है जी। आप कौन सी क्लास में थे जब शादी इसके साथ दोस्ती हुई? तब मैं 9th में था। ये भी 9th में थी? नहीं, ये मेरे स्कूल में नहीं पढ़ती थी, मोहल्ले में रहती थी। मोहल्ले में रहती थी। आपकी बहन इसकी सहेली थी जी? ठीक है, वो अपनी सहेली से मिलने आती थी तो आपने अपना काम डाल दिया? नहीं, वो पहले से ही सहेली तो उसकी स्कूल में थी ना। हाँ, लेकिन हम वहाँ पे गली में जब बैठते थे, खड़े होते थे, तब बस इसके साथ बात हुई थी मेरी। गली में खड़े होके लड़कियाँ ताकते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर इसको क्यों किया? क्या कहा था आपने इसको? चलो ये बता दो। कुछ भी नहीं, इसने अपनी छत से मुझे इशारा किया था। क्या इशारा किया था? बस कुछ इशारा कर दिया था, उसके बाद लेटर वगैरह पे बात होती थी। खत लिखते थे जी? फोन शोन का मामला नहीं था? नहीं, वो शादी के बाद। खत पकड़ाते कैसे थे इसको? ऊपर से फेंकती थी। वो ऊपर से फेंकती थी, जवाब कैसे देते थे? जवाब बस इसके दरवाजे में फेंक देते थे हम भी। तो दरवाजे में कभी घर वालों ने, बाप भाई माँ, किसी ने नहीं देखा? नहीं। अच्छा, कितने साल चलती रही दोस्ती? शादी से पहले तकरीबन 2 साल। ठीक है, फिर उसकी शादी हो गई जी। फिर आपने मिलना जुलना छोड़ दिया या नहीं? छोड़ दिया था। छोड़ दिया, कितने साल? तकरीबन 6 साल। 6 साल, 6 साल के बाद क्या हुआ? 6 साल के बाद जब ये हमारे घर आई है, उसको कहा कि तुम आज के बाद घर ना आना। इसने कहा मैं आपको मिलने नहीं आती, मैं माँ जी को मिलने आती हूँ। ठीक है, ऐसे ही करते करते सिस्टर को, माँ जी को मिल के अक्सर 1-1.5 महीने बाद आती थी, बच्चों को लेके चली जाती थी। ठीक है, फिर? फिर ऐसे ही इसने जाके मुझे मैसेज वगैरह करने शुरू कर दिए। क्या मैसेज किया? यही कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पता है मैंने जानबूझ के शादी नहीं की, ज़बरदस्ती मेरी शादी हुई है। ठीक है, तो बस ऐसे ही करते करते फिर मैं भी इससे बात करने लग गया। फिर दोबारा गपशप शुरू हो गई जी। ठीक है, फिर खतों किताबत होती थी या मैसेज पे, फ़ोन पे? नहीं, फ़ोन पे। आपसे कहाँ मिलती थी? हम तकरीबन 2-3 बार शादी के बाद मिले हैं, वो भी जूस कॉर्नर पे। अच्छा, ठीक है, फिर इसको कत्ल क्यों किया आपने? इसने कहा था, मरियम ने? कत्ल ऐसे ही हुआ था, इसने कहा था हम शादी कर लेंगे। शादी कर लेंगे जी, ज़ीशान को कत्ल करके जी। अच्छा, इसने कहा था जी? पक्की बात है जी? फिर आपने नहीं कहा कि 3 बच्चों की तुम माँ हो, अब तुम्हारा बनता नहीं है? मैंने तकरीबन जब इसने दोबारा मुझसे बातचीत शुरू की है, मैंने तभी इसको बड़ा समझाया था। फिर? लेकिन ऐसे ही करते करते जब मैं भी बीच में घुस गया इसके दोबारा, अच्छा, बात करने लग गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात हो गई कि हम शादी करेंगे, तो ये मुझे वैसे भी मारता है। इसने वैसे भी 1-2 बार इसको मार के अपने घर भेजा था। ठीक है, तो फिर? फिर वो तीसरा लड़का जो था, रेहान, एक दिन लास्ट टाइम जब ये वकुआ हुआ है, अच्छा, तब हम बैठे हुए थे दुकान अपनी पे। ठीक है, रेहान लड़का है, इसका मुझे फ़ोन आया मरियम का। हाँ, ये रो रही थी, मैंने इसको कहा मैं 10 मिनट तक फ़ोन करता हूँ। ठीक है, रेहान ने मुझसे पूछा क्या मसला है, मैंने अपना और रेहान मरियम का, ये लड़की का, सारा कुछ रेहान को बताया। अच्छा, मतलब शुरू से इसको बताया सारा। ठीक है, इसने मुझे कहा भाई मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है, मैं उसको फायर वगैरह लगा दूँ। रेहान कहता है जी? रेहान पहले भी कत्ल शतल करता रहता है? कत्ल नहीं, वो जहाँ पे बैठता था वो लड़के वगैरह ऐसे थे। अच्छा, ठीक है, फिर? फिर बस हमारे दिमाग में भी ये प्लानिंग आ गई। तो लास्ट टाइम जब हम अगले दिन उसके घर की तरफ गए हैं, वहाँ पे घर की तरफ गए हैं, तो रेहान उसके पीछे पीछे गया है, अबरार भी उसके साथ चला गया है, ज़ीशान के पीछे पीछे जी। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे जाके रेहान ने इसको वेपन सीधा किया है। हाँ, तो उसने कहीं हाथापाई की है इनके साथ। ठीक है, पिस्टल नीचे गिर गया है। ठीक है, तो वो कहीं अबरार ने पकड़ के उसके फायर मार दिया थे ना। इतने सालों से हमने ये काम कभी सोचा ही नहीं था कि ये काम भी होगा। जब से वो हमारे बीच रेहान बैठने लगा, तब से हमारा भी दिमाग ऐसा हो। इश्क कितना सवार था कि 3 बच्चों की माँ को बेवा भी कर दिया, 3 बच्चों को यतीम भी कर दिया, ये कैसी मोहब्बत थी? सिस्टर ने ही दिमाग काम किया इतना। मोहब्बत
ठीक है, शादी से पहले अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोशिश होनी चाहिए थी शादी हो जाए, अगर नहीं भी हुई, नसीब में नहीं भी था, तो फिर इसको छोड़ देना चाहिए था, फिर उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था कि करना चाहिए था? नहीं, बस गुनाह हो गया हमसे। गुनाह तो हो गया, लेकिन वो तीन बच्चों का बाप कहाँ से आएगा? सारी जिंदगी के लिए यतीम हो गए जी। अब मरियम आपको मिल जाएगी? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब कुछ नहीं चाहिए? तो बीबी का क्या कसूर था भाई, वो अपने बच्चों को पीट पीट के रो रही है। ये आप बीबी से पूछें ना, जिसने हमें भी यहाँ पे फंसा दिया। तो बीबी ने तो नहीं कहा था कत्ल करो? तो हमने खुद थोड़ी किया है। हाँ, बीबी ने कहा था? जाहिर है, उसने क्या कहा था उसने? यही कि इसको रस्ते से हटा देते हैं तो शादी कर लेंगे बाद में। पुलिस क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। हमने उसकी सीडीआर ली मरियम की, ठीक है, तो सीडीआर से जो लास्ट कॉल थी वो उसके आशना के साथ थी, शान के साथ। तो उसने पहले इसके साथ बात की, फिर जब उसने ये मर्डर करवा दिया तो उसके बाद उसने उसको ओके का मैसेज किया कि हमने ये काम कर दिया। सिचुएशन ये है कि ये जो है मरियम, इसका शान के साथ 12 साल पहले का तलाक था और ये चाहती थी कि मैं उसके साथ ही शादी करूं, लेकिन ये सैयद बरादरी होने की वजह से उन्होंने कहा हम बाहर शादी नहीं करते। उन्होंने जिशान मकतूल के साथ इसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुमताज गुराया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। शाहदरा पुलिस स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से हम मुमताज साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। मुमताज साहब, कॉल आई थी कि कत्ल हो गया है या कंप्लेनेंट आया था? नहीं, 15 पे कॉल हुई थी। 15 पे कॉल हुई थी, तो ऑब्वियसली आप फिर फौरन वकूए पर पहुंचे। जी। क्या देखा? वकूए पे ये एक डेड बॉडी थी और दो लड़के जो मोहल्ले के लोग जो उधर जमा हुए थे, उन्होंने बताया कि ये दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं और वो इसको फायर मार के मौका से फरार हो गए। अच्छा, फिर कैसे पता चला कि कहानी क्या है, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर है, ट्रेस किया आपने, कौन सा क्लू था जहाँ से शक पड़ा कि कहानी कुछ और है? एक्चुअल स्टोरी ये है कि जब हमने बैक ट्रैक शुरू किया तो पीछे से हमें एक सीसीटीवी कैमरे से एक वीडियो मिल गई जिसमें दो लड़के बाइक पे आ रहे थे और वो वही दो लड़के थे जिन्होंने उनको शूट किया। फुटेज मिल गई, फोटो मिल गई। और ये जो लड़का है जिससे मरियम का आशना शान, वो उनके साथ पीछे पैदल आ रहा था और ये दो लड़के बाइक पे आ रहे थे और वो प्रॉपर उनको गाइड कर रहा था कि ये उसका घर है, यहाँ से निकलेगा, इधर उसकी फैक्ट्री है जहाँ वो काम कर, जो फुटेज में देखा जा सकता है। नहीं, फुटेज तो वही है जहाँ तक वो उसके साथ आता है और वो बताता है, और आगे उसके कैमरा नहीं लगा हुआ। ओके। जहाँ पे जाके वो उसको शूट किया गया, ठीक है, तो वो उधर उनको इशारे कर रहा है जहाँ से हमें शक पड़ा कि ये उनको इशारे कर रहा है कि मास्क पहन लें। तो इसका मतलब ये है, ये इनको क्यों कह रहा है कि आप मास्क पहन लें, आपकी शनाख्त ना हो। ये शान कह रहा है, ये शान जो मरियम का आशना है वो कह रहा है कि इशारों से, हाथ के इशारों से क्या मास्क पहन लें, ठीक है, ताकि आपकी शनाख्त ना हो सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन में फिर आप मुलजिम तक पहुंचे और उसको गिरफ्तार किया? ये 3-4 दिन इसमें लग गए। लग गए आपने। अच्छा, ऑब्वियसली आपने फिर इसमें सीडीआर निकलवाई होंगी, फिर मैच किया होगा। जी, ये सीडीआर से उसकी वाइफ जो है उसका, हमने उसकी सीडीआर ली मरियम की, ठीक है, तो सीडीआर से जो लास्ट कॉल थी वो उसके आशना के साथ थी, शान के साथ। तो उसने पहले इसके साथ बात की, फिर जब उसने ये मर्डर करवा दिया तो उसके बाद उसने उसको ओके का मैसेज किया कि हमने ये काम कर दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिशान शरीफ शहरी जब कत्ल हुआ, 15 की कॉल हुई, मुमताज गुराया साहब मौके पर पहुंचे, तमाम एविडेंस इकट्ठे किए, ऑब्वियसली FIR जो है वो रजिस्टर्ड की, तो इस सारे वकूए में बीबी का क्या किरदार था, क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये है कि ये जो है मरियम, इसका शान के साथ 12 साल पहले का तलाक था और ये चाहती थी कि मैं उसके साथ ही शादी करूं, लेकिन ये सैयद बरादरी होने की वजह से उन्होंने कहा हम बाहर शादी नहीं करते।
उन्होंने जिशान मकतूल के साथ इसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। फिर ये शादी चलती रही, इनके तीन बच्चे हो गए। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, छोटे की 6 साल है, उससे छोटे की 3 साल उम्र है। वो इनका चलता रहा सिलसिला, लेकिन मियां बीवी कोई कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी। ये शादी के 6 साल बाद फिर इसने खुद रब्ता किया शान के साथ, मैसेज किया उसको, और ये फिर मोहब्बत दोबारा से उनके दिल में जाग उठी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि जब खामत की खून में लथपथ लाश घर आई तो ऑब्वियसली आप भी मौजूद थे, आप बकुआ देखने गए थे, तो मरियम की क्या कैफियत पाई आपने? ये कैफियत औरतों के रोने से पता चल जाता है कि ये मकर कर रही हैं या वाकई इसको अपने शोहर के मरने का असल में रंज है। ये चीज़ें उनकी बॉडी की जो हरकतों से कराता है उससे अंदाज़ा लगाया आइडिया हो जाता है कि ये अगर औरत रो रही है तो इसके आंसू नहीं निकल रहे, सो जिस तरह की चीज़ें रोती है। क्या मैसेज देंगे अगर यहाँ शादी वालिदैन ना करते और जहाँ पसंद करती थी वहाँ कर देते तो शायद 2 घराने ना उजड़ते, शायद 3 बच्चे यतीम ना होते, क्या मैसेज देंगे? मेरे इसमें जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि शादी से पहले बच्चों की राय ले लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी आपने देखी, ये कत्ल जो आपको आज नजर आ रहा है इसकी बुनियाद आज से 14 साल पहले रख दी गई थी। ये आशिकी का भूत जो 14 साल के बाद एक कत्ल की सूरत में उतरा, काश ये इस वक्त से पहले उतर जाता तो बेहतर होता। 3 बच्चों की माँ जिसने अपने आशना से अपने खावत को कत्ल करवा दिया, अपने इर्द गिर्द अपने मुआमलात को अपने शौहर अपने भाई और अपने बाप तक महदूद रखें, ऐसा ना हो कि आशिकी माशूकी की ऐसी एक और दास्तान कहीं और रकम होती नज़र आए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।